भक्तों, आज मैं आपको वट सावित्री कथा सुनाने जा रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पति के दीर्घायु एवं पुत्र कामना तथा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसे पति के प्राण बचाए ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। सावित्री व्रत का भक्तों करेंगे हम गुणगान, महाभारत के पर्व में इसका किया गया है बखान। युधिष्ठिर ने ऋषि मार्कंडे से पूछा एक बार, द्रौपदी से पहले पतिव्रत हुई कौन सी नार। बोले मुनि सावित्री हुई है पतिव्रता नारी, राजकुल में जन्म किया व्रत पति व्रता भारी। उसकी गाथा अमर हुई है वो थी अति महान, उसके आगे हार गए थे यमराज भगवान। विनय करें युधिष्ठिर ऋषि फिर कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, और किस प्रकार सावित्री का जन्म राजा अश्वपति के घर होता है, और किस तरह माँ सावित्री का दर्शन राजा अश्वपति को होता है, और किस प्रकार माँ सावित्री राजा अश्वपति को वर देती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। आइए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। मद्र देश के राजा अश्वपति जिनकी न थी संतान, अश्वपति राजा ने फिर एक महायज्ञ करवाया। 18 वर्ष चला यज्ञ, नित भंडारा करवाया। राजा के तप देख के माँ सावित्री हुई प्रसन्न, मेरे अंश से जन्मेगी कन्या राजा तेरे आंगन। कुछ समय के बाद भूप घर जन्मी एक कन्या, रूपवती गुणवंती दिखती सावित्री वो माँ। कन्या माँ का ध्यान लगाती सभी बताते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान।
धीरे धीरे सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा ने अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखकर मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और स्वयं अपनी पुत्री को योग्य वर ढूंढने का आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वर ढूंढने को निकल गई, किंतु जल्दी ही वापस आ गई। जब सावित्री सभा में पहुंची, तब उसने सभा में नारद जी को बैठा देखा। उन्हें पिता से पहले प्रणाम किया और यात्रा वृतांत इस प्रकार बताने लगी। आइए श्रवण करते हैं। सालव देश के द्युत्मसेन राजा जो थे बड़े दयावान, उनके पुत्र को पति चुना है, नाम है सत्यवान। बोल उठे नारद जी, फिर तो सुन पुत्री की बात, उचित न निर्णय लिया है तुमने, आएगी काली रात। एक वर्ष के बाद इसी दिन आएगा उसका काल, सुन नारद की बात तो राजा करने लगे मलाल। तू जावर ढूंढो तुम पुत्री, बोले हैं राजन। सावित्री बोली न पिताजी, बदले जाए वचन। विधि कलेखा कर्म से ही सब बदले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। वचन अटल है राजा पुत्री का, कर डालो निर्विघ्न काज, शुभ बंधन पुत्री का। इतना कहकर नारद जी ने किया है फिर प्रस्थान, राजा ने शुभ मुहूर्त में कर दिया है कन्यादान। मनवांछित वर पाकर पुत्री हुई थी अति प्रसन्न, किंतु मुनि की बात तो हृदय में चुभती थी खन खन। सावित्री ने मुनिवर से पहले ही लिया था जान, द्वादशी के चौथे दिन यम हर लेंगे पति प्राण। सावित्री के तीन दिवस व्रत के हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री व्रत की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान, मिले मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। प्रिय भक्तों, इस तरह सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु एक वर्ष के लिए माँ सावित्री का व्रत रखती है, और जो व्रत के चार दिन बच जाते हैं तो चौथे दिन सास ससुर के चरणों में प्रणाम कर देवताओं को नमन करती हैं एवं सत्यवान के साथ वन जाने को जिद करती हैं। अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वह वन को चली जाती है। रोज की तरह सत्यवान लकड़ी काटकर गट्ठर को बांध रहा होता है, तभी उसका सर चकराने लगता है। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से सुनते हैं। समझ गई सावित्री संकट में है पति के प्राण,
विनती करती हाथ जोड़कर लाज रखो भगवान। तभी वहाँ यम सत्यवान के हरण प्राण है आए, पूछा परिचय सावित्री ने यम है रहे बताए। बोले यम मैं धर्मराज हूँ हरता सबके प्राण, आज मृत हो जाएगा तेरा पति सत्यवान। सत्यवान के प्राण वो हर कर चल दिए फिर यमलोक, सावित्री भी चल रही पीछे ना रही उनको टोक। पीछे आता देख सती को यम घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री व्रत की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। सावित्री से बोले यम तुम वापस घर जाओ, मेरे साथ ना आ सकती तुम पीछे ना आओ। सावित्री बोली पति संग चलने में कैसा खेद, ना कोई श्रम मुझको स्वामी ना ही है कोई भेद। बड़े सुख से पति के मैं यम लोक को जाऊंगी, ना कोई चिंता पतिव्रता मैं धर्म निभाऊंगी। पत्नी का आधार पति और शिष्य का गुरु आधार, मानव का आश्रय धर पत्नी का है पति संसार। मधुवचनों को सुन यमराज प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। सावित्री के धर्मार्थ तथा अर्थपूर्ण वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न होते हैं और सावित्री से मनवांछित वर मांगने को कहते हैं। तभी सावित्री कहती है, हे प्राणहर्ता, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से दूध भात खाता हुआ देख सकें। यमराज ने कहा सावित्री को, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर क्या होता है, आइए सुनते हैं। बोले यम अब वापस तुम अपने घर को जाओ, सास ससुर की करो जा सेवा, ना पीछे आओ। किंतु सावित्री फिर भी यम के पीछे है चलती, पीछे आता देख वो बोले अब क्या है मांगती। सावित्री बोली पति संग में न है कोई कलेश, ये तो मेरा धर्म है भगवान कहते श्री गणेश। धर्मराज फिर से खुश होकर देने लगे वरदान, मेरे सास ससुर का शासन दे दो यम भगवान। सावित्री को यम वर पे वर देते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान।
स्वयं बोले है देवी घर को तुम जाओ। जिद ना ठानो बात को मानो पीछे ना आओ। फिर भी पीछे पीछे वो तो चलती रहती यम के, पीछे आता देख उसे यम बोले हैं रुक के। और एक वरदान मांग लो फिर घर चल जाना, बोली सावित्री है भगवान कृपा यूं ही बरसाना। पुत्रवती बन करके तो सौभाग्यवती कहलाऊं, दे दो वर ये भगवान मुझको मैं घर को जाऊं। धर्मराज वर देने में ना देर लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान। बोली भगवान मैं पतिव्रता नारी, बिन पति के कैसे महकेगी आंचल की क्यारी। धर्मराज ने सोच समझ कर प्राण है लौटाए, सत्यवान के प्राण चना के रूप में पाए। सावित्री ने पति के मुख में चना है वो डाला, राम नाम ले उठ बैठा वो माता का लाला। मात पिता की नयन ज्योति पा दोनों हर्षाए, राज भोग को दीर्घ काल तक दोनों है पाए। दोनों माँ सावित्री की जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिल मन चाहा वरदान, मिल मन चाहा वरदान, ये व्रत है बड़ा बलवान।
सावित्री की भक्ति ने पति के प्राण बचाए, वैसे भक्ति हमें भी देना, हम भी कुछ कर जाएं। जैसे सावित्री की भक्ति ने पति के प्राण बचाए, वैसे भक्ति हमें भी देना, हम भी कुछ कर जाएं। स्वामी के सर पे दिखायो ताज रखना, स्वामी के सर पे दिखायो ताज रखना, प्रभु मुझको यही बस आज कहना, मुझको यही बस आज कहना, प्रभु 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 मुझको यही बस आज कहना। आए
बने कृपा।